दोस्तों आज हम याद करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ऐप और उनके फाउंडर। वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, किस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ नहीं पता, और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं है, लगभग 20 के आसपास ऐप हम कवर करेंगे। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो 99% चांस है यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बाकी भाई थारी किस्मत। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, ओला कैब के फाउंडर कौन है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन ए भावेश अग्रवाल तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। याद कैसे रखेंगे, देखिए यहां बात हो रही है ओला कैब की। ओला, ओला से हो गया ओलावृष्टि, और भाई जब ओलावृष्टि होती है तो भावेश का हो गया भविष्य, भाई फसल का भविष्य और किसानों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। कब? जब ओलावृष्टि होती है तो किसान और फसल दोनों का भविष्य खराब, यानी कि भविष्य अग्रवाल। नेक्स्ट, उबर कैब के फाउंडर कौन है? ऑप्शन डी गेरेट कैंप। उबर कैब के फाउंडर है गेरेट कैंप। अब उबर का हो गया ऊब जाना, भाई घूमते फिरते ऊब गए, परेशान हो गए, अब डायरेक्ट कैंप में चलो, अब ज्यादा नहीं घूमना। गैरेट यानी कि डायरेक्ट, और कैंप का हो गया कैंप यानी कि कैंपस। भाई बहुत घूम फिर लिया, अब तो हम ऊब गए, अब डायरेक्ट कैंप में चलो, कैंपस में चलो, यानी कि गैरेट कैंप। नेक्स्ट, पेटीएम के फाउंडर कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए विजय शेखर शर्मा तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। याद कैसे रखेंगे, पेटीएम का हो गया एटीएम। जब भाई सैलरी मिलती है तो एटीएम में पैसे होते हैं, और जब एटीएम में पैसे होते हैं तो बंदा शिखर पर रहता है, बंदा आसमान में शिखर पर रहता है। आ जाओ भाई पार्टी करते हो, मेरे पास पैसे हैं, एटीएम में पैसे हैं। जब एटीएम में पैसे हैं तो बंदा शिखर पर रहता है, विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट, ओयो के फाउंडर कौन है? ओयो भाई आप जानते ही, ऑनलाइन आप कोई भी रूम होटल बुक करा सकते हैं ओयो से। ऑप्शन डी रितेश अग्रवाल। देखिए ओयो के फाउंडर है रितेश अग्रवाल। ओयो से क्या याद आया? यो 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 हनी सिंह है ना, हनी सिंह। अब भाई जो यो यो के गाने गाएगा यो 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 यो, उसका रिश्ता नहीं होगा, रितेश अग्रवाल। लड़की वाले पूछ रहे कि भाई लड़का क्या करता है? सर योयो के गाने गाता है, योयो हनी सिंह है, फिर कहाँ रिश्ता होगा रितेश, यानी कि रिश्ता नहीं होगा उसका। तो भाई योयो के फाउंडर हो गए रितेश अग्रवाल। नेक्स्ट, मेक माय ट्रिप के फाउंडर कौन है? थोड़ा टफ हो सकता है भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन ए दीपक कालरा तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब देखिए मेक माय ट्रिप, माय ट्रिप का हो जाएगा माय ट्रिप सर। अब बंदे ने पूरे का पूरा लैगेज गाड़ी में लोड कर दिया, अब बोल रहे हैं सर माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप सर माई ट्रिप, लेकिन बंदा इतना कंजूस था। दीपक कालरा, कालाना, कालरा, कालाना, आज चेंज नहीं है, आपको आज कोई भी ट्रिप नहीं मिलेगी, आप कालाना यानी कि कालरा। तो मेक माई ट्रिप के फाउंडर हो गए दीपक कालरा, ही भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जाना पहचाना बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अली बाबा के फाउंडर कौन है? ऑप्शन बी जैक मा। अली बाबा, बाबा जैक मा, मा बाबा मा, भाई एक जगह बाबा है दूसरी जगह मा है, अली बाबा जैक मा, तो बिल्कुल ईजी है। और भाई वीडियो बढ़िया लग गया तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लग गया तो शेयर कर दियो। नेक्स्ट, ट्विटर के फाउंडर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी जैक डॉर्स। अब ट्विटर का हो गया ट्विटर, 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 और सर्दी में ट्विटर ना, जब सर्दी में ट्विटर थे तो क्या बोलते हैं? जैक डोर्स, डोर को बंद कर दो, दरवाजे को बंद कर दो मेरे भाई, ठंड आ रही है, ट्विटर ट्विटर रहे हैं, जैक डोर को बंद कर दो। तो भाई ट्विटर के फाउंडर हो गए जैक डॉर्स। नेक्स्ट, व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? आपका जाना पहचाना क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन ए ब्रायन एक्टन जेनकॉम। याद कैसे रखेंगे, व्हाट्सएप, अब बंदे ने नया नया एंड्रॉइड फोन लिया तो व्हाट्सएप में इतना बिजी हो गया, ब्रायन एक्टन, ब्रो
एक्शन में आ गया, नया एंड्रॉइड फोन लेके व्हाट्सएप चला के ब्रायन एक्टन ब्रो एक्शन में आ गया, और इतना एक्शन में आया, इतना व्हाट्सएप चलाया, जेनकॉम जाने कब कोमा में चला गया, पता नहीं, पता चला वो तो कोमा में चला गया। कैसे भाई, इतना व्हाट्सएप चलाया, इतना व्हाट्सएप चलाया, कोमा में चला गया। तो व्हाट्सएप के फाउंडर हो गए ब्रायन एक्टन जेनकॉम ब्रो, इतना एक्शन में आ गया, न जाने कब कोमा में चला गया व्हाट्सएप चलाते चलाते। तो भाई व्हाट्सएप कम से कम चलाया करो। नेक्स्ट, फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग। बिल्कुल लीजिए भाई, आप सभी को याद भी होगा, फेसबुक के फाउंडर है मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट, यूट्यूब के फाउंडर कौन है? बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। ऑप्शन ए जावेद करीम और स्टीव चैन, ये यूट्यूब के फाउंडर है। याद कैसे रखेंगे? देखिए भाई, आपको पता ही है, यूट्यूब से आप सुई बनाने से लेकर पानी का जहाज तक बना सकते हो, सब कुछ यूट्यूब पे आप जाइए, वीडियो देखिए, सीखिए और बनाइए। और यहां बात हो रही है जावेद क्रीम के, भाई दूध से ज्यादा क्रीम कैसे निकाले, यूट्यूब पे सीख लो। स्टीव चैन, स्टीव का हो गया स्टॉप और चैन का हो गया चाय, स्टॉप पर चाय कैसे बनाए, यूट्यूब पे जाके सीख लो। तो भाई ज्यादा क्रीम निकालना और स्टॉप पर चाय कैसे बनाए नहीं पता, यूट्यूब पे जाओ सीख लो। तो यूट्यूब के फाउंडर हो गए जावेद करीम, स्टीव चैन। अब भी आप यूट्यूब पे ही सीख रहे हैं मेरे भाई ट्रिक, जी के महात्मा जी की ना। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हैं और भाई सिखा भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस एग्जाम में कब क्वेश्चन पूछ लिया जाए और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो भाई बिल्कुल भी इसे इग्नोर मत कीजिए, वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख लीजिएगा, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, अमेजॉन के फाउंडर कौन है? ऑप्शन सी जेफ बेजोस। अब भाई आपको पता ही है अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, और जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करते हैं आप उसे देखते रहते हैं, ट्रैक करते हैं कहाँ आया कहाँ गया, और जैसे ही घर की बेल बजती है सर आपका प्रोडक्ट आ गया, तो आपके अंदर जोश आ जाता है, जेफ बेजोस जोश आ जाता है। वैसे आप बेजोश से पड़े रहते हो, पता नहीं कब आएगा, लेकिन जब भी बैल मारता है सर प्रोडक्ट आ गया, तो आपके अंदर जोश आ जाता है। तो भाई अमेजोन के फाउंडर हो गए जेफ बेजोस। नेक्स्ट, स्नैपडील के फाउंडर कौन है? ऑप्शन बी कुणाल बहल, रोहित बंसल। अब देखिए स्नैपडील से स्टार्टिंग में वही सारी है, स्नैप यानी कि स्नैक सांप, कहां है कुणाल, कोने में है, अभी यही था, अभी कोने में चला गया। रोहित बंसल, बंसी नहीं भाई, बीन बजा, रोहित बंसी नहीं, बीन बजा, तब कोने से बाहर निकलेगा सांप। तो स्नैपडील के फाउंडर हो गए कुणाल बहल, रोहित बंसल। थोड़ी फनी जरूर है मेरे भाई, लेकिन आप विश्वास कीजिए एग्जाम में याद आपको जरूर आएगी। नेक्स्ट, ईबे के फाउंडर कौन है? ऑप्शन बी पियरे अमोट्यार। अब ईबे, ईबे का हो गया अबे, पियरे प्यारे, मोटियार के लास्ट में आ रहा है यार, अबे मेरे प्यारे यार कहाँ रहता है आजकल, दिखाई नहीं देता। ईबे अबे ओ, प्यार से बोल देते ना, अबे ओ मेरे प्यारे यार तू कहाँ रहता भाई, दिखाई नहीं देता, बस इससे याद रख लेना। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए सचिन एवं बिन्नी बंसल। अब देखिए यहां बात हो रही है सचिन की, सचिन से याद आते हैं सचिन तेंदुलकर, और फ्लिपकार्ट के स्टार्टिंग में आ गया फिलिप, फिलिप से हो गया फिलिप्स का रेडियो। भाई जब टीवी नहीं होते थे, डिश नहीं होते थे, तो फिलिप्स के रेडियो में ही मैच सुनते थे, इकट्ठे होकर 10-10, 12-12 लोग फिलिप्स का रेडियो ऑन कर लेते थे और मैच की कमेंट्री सुनते थे, और खास तौर पर किसकी सुनी जाती थी गौर से, सचिन तेंदुलकर की। तो फिलिप का हो गया फिलिप्स का रेडियो, रेडियो पर सचिन तेंदुलकर की कॉमेंट्री सुनते थे। नेक्स्ट, जोमेटो के फाउंडर कौन है? जोमेटो को सभी जानते ही हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ऑप्शन बी दीपिंदर गोयल। अब देखिए जोमेटो में एक वॉइस आ रही है मोटो, जोमेटो मोटो, भाई तू कितना मोटो होगो, ओ भाई तू कितना मोटो होगो दीपिंदर, कर ले अंदर, तू अपने पेट को अपने टम्मी को अंदर कर ले दीपिंदर, अंदर अंदर कर ले भाई, तू तो घणो मोटो होगो।
तो भाई जोमेटो के फाउंडर हो गए दीपिंदर गोयल। दीपिंदर कर लो अंदर, इतने मोटे अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट, स्विगी के फाउंडर कौन है? इससे भी हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, स्विगी जोमेटो। ऑप्शन ए श्री हर्ष जमेट। अब देखिए स्विगी के फाउंडर हो गए श्री हर्ष मजेटी और इनके साथ साथ को फाउंडर है राहुल जेमिनी और नंदा रेड्डी। नेक्स्ट, स्काइप के फाउंडर कौन है? थोड़ा टफ हो सकता है मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन डी निकोलस जेनस्ट्रॉम तो बिल्कुल सही जवाब चुना है, स्काइप के फाउंडर है निकोलस जेनस्ट्रॉम। अब स्काइप का हो गया स्वाइप, स्वाइप करो निकोलस निकालो जेनस्ट्रॉम जर्नल स्टोर से कुछ भी। आप जर्नल स्टोर में जाइए शॉपिंग करने, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वाइप कीजिए और निकालिए कुछ भी। निकोलस जेनस्ट्रॉम जर्नल स्टोर से निकालो कुछ भी, कैसे? बस अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को स्काइप यानी कि स्वाइप करो और कुछ भी निकालो। तो भाई जो भी पॉपुलर ऐप थी उनके फाउंडर हमने याद कर लिया है ट्रिक से। अब मिलता है आपको एक प्यारा सा चैलेंज, थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन भाई मुझे पूरा भरोसा आप इसका सही सही जवाब देंगे। आयरलैंड की संसद का क्या नाम है? चार विकल्प दिए गए, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और भाई इस वीडियो के बारे में कोई भी विचार हो तो आप अपने अनमोल सुझाव हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।